हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं बैंगन की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। यह बैंगन की सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन के बनाई हुई है और बहुत जल्दी बन जाती है यह बैंगन की सब्ज़ी। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बैंगन की सब्ज़ी बनाना। बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया है 4 बैंगन। आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा ज़्यादा बैंगन भी ले सकते हैं। 1 टमाटो लिया है मैंने, 4 बैंगन के लिए 1 टमाटर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है उड़द दाल, ये 1 टीस्पून है। चना दाल, ये भी 1 टीस्पून है। जीरा 1/2 टीस्पून, सरसों 1/2 टीस्पून। मसाले के लिए मैंने लिया है धनिया पाउडर 2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, 1 पिंच लिया है हींग पाउडर का, और देगी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। और कड़ी पत्ता का मैंने 8 से 10 पत्ते मैंने लिए हैं। आपको अगर कड़ी पत्ता नहीं पसंद हो तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और ये है हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने लिया है 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने ये साइज़ के टुकड़े में काट लिया है। वैसे दोस्तों, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता आप ज़रूर डालिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो ही आप इसे स्किप करिए, वरना आप इसे ज़रूर डालिए, ये टेस्ट बहुत बढ़ाता है सब्ज़ी का। अब हम काटते हैं बैंगन को। बैंगन के डंडी इस तरह से निकाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसे हाफ टुकड़ा ऐसे काटना है। उसके बाद इसके लंबे लंबे इस तरह से टुकड़े काटने हैं और इसे तुरंत पानी में डाल देना है। पानी में इसलिए डालना है ताकि इसमें काला रंग ना पड़े। इसी तरह सारा बैंगन आपको काट लेना है, इस तरह से डंडी निकाल लेना है बैंगन का, और उसके बाद इसको हाफ में टुकड़ा करिए। उसके बाद ऐसे 4 से 5 लाइंस काटिए लंबे लंबे टुकड़ों में, और पानी में तुरंत डालते रहिए। सारा बैंगन को मैंने दोस्तों इस तरह काट के इसमें रख दिया है पानी में, और मैं पानी एक बार चेंज कर चुकी हूँ, और टमाटो को भी इस साइज़ में मैंने काट लिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपना सब्जी बनाना। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ, इसमें ये कढ़ाई रखती हूँ। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ इस तरह से। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने के बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे, चेक कर लीजिए दोस्तों, पहले अगर तेल गरम नहीं हुआ होगा तो राई बिल्कुल मत डालिए, पहले तेल को गरम हो जाने दीजिए। अब इसमें हम डाले हैं राई, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे उड़द दाल, फिर हम डालेंगे इसमें चना दाल। ज़्यादा चना दाल को ब्राउन नहीं होने देना है। अब इस स्टेज में हम इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता, उसके बाद हम डालते हैं हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे बैंगन, बहुत अच्छी तरह से मिलाना है इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करके दोस्तों इसे 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से ढक कर रख देंगे। 2 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, अब हम इसे खोलेंगे इसका ढक्कन। अब
इस स्टेज में हम इसमें टोमेटोज डाल देंगे, इसके टुकड़े एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब आता है मसाला का बारी। मसाला सबसे पहले ये सारा मसाला को हम प्लेट में इसी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस सारे मसाले को हम इस तरह इसमें डाल देंगे। फिर से एक बार हम इसे मिलाएंगे, अच्छी तरह से मसाला को बैगन में मिला लेंगे। चारों तरफ मसाला लग जाए ताकि। अब इसमें हम डालेंगे नमक, इच्छा अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम। अब फिर से इसे ढक कर दोस्तों इसी तरह से आपको रहने देना है कम से कम 10 मिनट। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे बैगन पका है कि नहीं। 10 मिनट हो गया फ्रेंड्स, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तरह से बंद करके एक बार इसे फिर मिला लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसको फिर से एक बार 5 मिनट के लिए और मैं ढक कर पकाती हूँ ताकि थोड़े और अच्छी तरह से बैगन पक जाए। पाँच मिनट हो गया है फ्रेंड्स, अब हम चेक कर रहे हैं अपना सब्जी कि पका है कि नहीं। तो आपको टेस्ट करने के लिए किस तरह से आप टेस्ट करेंगे कि ये पका कि नहीं, एक बैगन को लीजिए और इस तरह से स्पैचुला के हेल्प से काट कर देखिए। इजीली कट जाता है, इसका मतलब बैगन आपका अच्छी तरह से पक चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, कलर भी इसका कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये उतना ही टेस्टी भी होगा। अब हम इस स्टेज पर गैस को ऑफ करते हैं और इसे सर्विंग बोल पर रेडी करते हैं। तो बैगन की सब्जी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। इसे मैं थोड़ा धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देती हूँ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी किस तरह से दिख रहा है। अगर आपको ये सब्जी का रेसिपी पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करिए, अपने दोस्तों को खिलाइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयरिंग करिए ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ और उसके नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।